नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। इसी सिलसिले में भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तमाम दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने डो टूक शब्दों में कहा कि यह पार्टी की परंपरा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और संगठन प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में विधायकों की बैठक हुई। विधायकों ने चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग कही। इस पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में चेहरा प्रोजेक्टर करने की परंपरा नहीं है। विधायक तरुण भानोट ने कहा कि जनता के बीच जाने पर अक्सर सवाल किया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। प्रदेश संगठन प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि इस टिकट के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत सभी संभागों में टिकट देने का निर्णय नेताओं से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज जैसे हमारी जो ये मीटिंग है उसमें 64 असेंबली के पर एक टीम और उसके अलावा 12 डिविजनल यानी कि संभागीय जो है कोऑर्डिनेटर्स वो सब जो है संयोजक वो सब जो है अपना दौरा शुरू करेंगे और कम से कम पूरे प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मीटिंग होगा। शिवराज सरकार के साथ जो है पार्टी का जो आंदोलन है उसका ऐलान जो कर जाएगा। आज तो विशेष रूप से जो नया प्रक्रिया पार्टी ने शुरू की है मंडल बनाने वाली, उस प्रारूप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस विषय में सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से चर्चा की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद रहेंगे, सीएम लीडर भी रहेंगे इसमें अजय सिंह जी, और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके साथ पार्टी के प्रोग्राम्स अगले 3 माह में क्या बनाने उस पर चर्चा की जाएगी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।